लोग अब सच में डीजे राजेश को बुलाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि कल रात को टीम इंडिया जीत चुका है फाइनल मैच क्योंकि हमारी मेहनत और टीम इंडिया की मेहनत रंग लाई है, क्योंकि सेमीफिनाल के बाद फाइनल में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहे तो भाई बहुत ही मजा आ गया है कल का मैच देख के। और मैं आज सुबह को देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे सभी जगह पे इंडिया के ही पोस्टर लगे हुए हैं। भाई साहब सभी 11 प्लेयर्स की मेहनत रंग आई है, और 11 प्लेयर्स की नहीं बोलूंगा पूरे ड्रेसिंग रूम की भी मेहनत रंग लाई है, क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनल जीतने का मजा जो होता है वो आप और हम बिल्कुल नहीं समझ सकते, क्योंकि वो असली मोमेंट उन लोगों ने जिया है। और वही जान सकते हैं कि इतना इमोशनल मोमेंट को फेस करने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए, और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करने के लिए भाई सैल्यूट है सैल्यूट, क्योंकि फाइनल स्टेज तक कोई भी मैच नहीं हारना और फाइनल में आके जीतने का कुछ अलग ही मजा होता है, क्योंकि आप बाकी सारी मैच जीतते हो और फाइनल जीतते हो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पर एक इमोशनल मोमेंट भी है इनके बीच, क्योंकि तीन बंदों ने रिटायरमेंट ले लिया है। पहले नंबर पे आते हैं विराट कोहली, दूसरे पे रोहित शर्मा, और तीसरे पे राहुल द्रविड़। और मैं कहीं ना कहीं मानता था कि इन लोगों का रिटायरमेंट होना ही था, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी बोल रहा था, आप मेरे टैग देखोगे डिस्क्रिप्शन देखोगे उसमें सारी जगह पर मैंने लिखा था कि रोहित शर्मा का लास्ट वर्ल्ड कप है, विराट कोहली का लास्ट वर्ल्ड कप है, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये लोग खेल रहे हैं तो बस इसी के लिए, क्योंकि आप कभी ना कभी इंडियन प्लेयर बनते हो तो आपका एक सपना होता है कि कभी ना कभी हम एक ICC वर्ल्ड कप या टूर्नामेंट जीते, और वो सच हो गया है भाई रियलिटी में, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और आई होप सो कि हमारी मेहनत और टीम इंडिया की मेहनत बहुत ही रंग लाई है, क्योंकि मैंने भी पिछले टाइम में जितने भी वीडियो बनाए वो मेरी मेहनत मुझे आज वर्थ इट लग रही है, तो मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है क्योंकि मेरी मेहनत रंग लाई। और मैंने कभी ना कभी जब भी देखोगे जब मैच था तब वीडियो बनाया इंस्टेंटली बना के उसी दिन को रिलीज़ किया अपलोड किया आप जो भी समझो वो, पर आज तक मैंने इतना किसी भी वीडियोस के लिए नहीं किया, तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत भी वर्थ इट रही है, इसलिए मैं राइट नाउ अभी जैसे उठा वैसे ही मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया। और मैंने सोचा कि कभी ना कभी दोपहर तक तो वीडियो अपलोड हो जाए आप सबको देखने को मिल जाए, पर इंडिया की जितने की न्यूज़ तो आप रात को ही देख चुके हो और रात को ही आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिल चुका है, पर मैं अभी कर रहा हूँ आपके साथ और वीडियो बना के, क्योंकि मुझे भी बहुत बड़ा सदमा लगा है और खुशी भी हुई है, तो मैंने सोचा कि वीडियो के थ्रू बयां करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड ये मेमोरी हमको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी, क्योंकि 2007 से लेके अब तक का इंतज़ार राइट नाउ 2024 में ख़त्म हुआ है, तो भाई ये तो बहुत ही बड़ी बात है। तो लेट्स होप कि आगे ही ऐसे ही टूर्नामेंट्स हम जीतते रहे और खुशी का मौका हमको मिलता रहे और हमारी टीम इंडिया ऐसे ही वर्ल्ड चैम्पियन बनती रहे। तो इसलिए आप भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और न्यू व्यूअर्स हो तो ऑलमोस्ट डेफिनेटली टू सब्सक्राइब एंड एनर्जेटिक एंड एक्साइटिंग वीडियोज़ के लिए, एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर ही देना, क्योंकि आपका रिकमेंडेशन और आपका प्यार बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, और हम मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय।